नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू जन की बात। आज जन की बात ग्राउंड जीरो क्राइम सीन पे पहुंचा है बुरारी में। मैं बताना चाहूंगा कि बुरारी में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। 11 लोगों का शव मिला है और इस वक्त ये 11 के 11 लोग एक ही परिवार से बिलोंग करते थे। पहले पुलिस इसमें सुसाइड का एंगल देख रही थी, परंतु अभी तक हमारे सोर्सेज के हिसाब से इसमें मर्डर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बुरारी ग्राउंड जीरो, वहां पे आप देख सकते हैं वो ही वहां पे घर है जहां पे क्राइम सीन हुआ है और 11 लोगों का शव मिला है। कल रात को 11:45 तक सब कुछ सही था। कल रात और सुबह में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे पहले बातचीत करना चाहूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं? लोग कह रहे थे कि काफी अच्छा परिवार था, काफी अच्छी तरीके से रहता था। आप ये जो ऐसी घटना हुई इसको किस तरीके से देखते हैं? ये मर्डर हुआ है। आप इतना अश्योर होके हुए कैसे कह सकते हैं कि मर्डर हुआ है? 11 लोग एक साथ कैसे आत्महत्या कर सकते हैं? अच्छा, ये बताइए, क्या इस मोहल्ले में कभी कोई उनकी किसी के साथ ऐसी बात हुई, खींचतानी हुई या किसी से उनके सही व्यवहार नहीं थे? रहता नहीं हूँ जी, मैं अभी देखने आया हूँ। देखने आये हुआ? हाँ। या मैं आप में से कोई यहाँ पे कोई इधर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो घटना हुई, अब जैसे मर्डर का एंगल साफ है, तो कह रहे थे कि जो उनके अंकल है वो काफी 5 साल से शांत थे और उन्हीं का हाथ जो था वो पाया गया था, लटका हुआ नहीं था। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या डरे हुए हैं आप, किस तरीके से देखेंगे? देखो जी, मैं पहली बात तो यहाँ से नहीं हूँ, मैं तो निकलता हुआ जा रहा था जी। तो जैसे मुझे पता पड़ी कि एक ही परिवार के 11 लोगों का यहाँ मर्डर हुआ। हाँ। तो थोड़ा सा इसी वजह से मैं यहाँ देखने के लिए आ गया। हाँ। बाकी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बताया गया कि यहाँ पे एक परिवार का एक ही बंदा बचा हुआ है। हाँ। जो अभी राजस्थान में है कहीं, किसी शायद कोई जगह है राजस्थान के अंदर। एक ही परिवार का बंदा बचा हुआ है। आकृति, मैं जाऊंगा थोड़ा सा जी, आपने भी बात की थी पड़ोसियों से, क्या कह रहे थे पड़ोसी, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? देखिए, ये एक हिंदू बनिया परिवार था, ये एक दुकान चलाते थे, बहुत शांति से रहते थे, आपस में भाइयों में भी काफी प्यार था, कोई प्रॉपर्टी का कुछ इशू नहीं था। इनकी बेटी बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी, बेसिकली एक बहुत अच्छी फैमिली थी। और सोचने वाली बात है, बच्चों की, बहुओं की गलती क्या होगी और उनको क्यों सजा मिली गई? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, ये बहुत ही अच्छा परिवार था, कल रात तक अंकल जी कहा जाते थे कि हमेशा अपने जो डॉगी उसको कहलाते थे, सबसे अच्छा व्यवहार करते थे, तो क्या ये एकदम से घटना कैसे हो सकती है, किस तरीके से आप देखते हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? पहले कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल, कुछ इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से देखते हैं? ये लोग से तो कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, ये लोग तो बहुत बढ़िया स्वभाव के थे। ये ऐसा हो सकता है कि इन 11 में से किसी ने, एक ने 10 को कर, कोई डिस्प्रेशन में हो 10 को मारा हो? नहीं, ये बता नहीं सकते, डिप्रेशन में कोई नहीं था। हालांकि ये लोग बढ़िया, मतलब कि परिवार बहुत बढ़िया था ये लोग का, जो है कि नहीं, आज तक हल्ला गुल्ली शोर शराबा कुछ नहीं, कोई भी शोर शराबा हल्ला गुल्ली नहीं थी। ये पूरा का पूरा बुरारी यहाँ पे स्तंभ है, मायूस है और बिल्कुल शॉक्ड है। प्रिंस, आपने इसके बारे में काफी रिसर्च की, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, उसमें पता चलेगा कि क्या हो सकता है। आप मुझे थोड़े से फैक्ट्स बताएंगे, फिर मैं अंकल के पास आना चाहूंगा। सर, आप पे आऊंगा इसके तुरंत बाद, कुछ फैक्ट्स जो अंदर से भी आपने बातचीत की। ये जो दो लोग थे, ये जो परिवार था, ये एक बिजनेसमैन का परिवार था, एक भाई दूध की डेयरी चलाते थे, वहीं दूसरे लोग प्लाईवुड का काम करते थे। और कहा जाता है कि 25 दिन पहले सगाई हुई थी बेटी की। 25 दिन पहले सर सगाई हुई थी बेटी की? जब 25 दिन पहले बेटी की सगाई हुई थी, क्या उसमें कोई ऐसा आपको देखने को मिला, क्योंकि आप सब तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ ऐसी घटना हुई कोई हुई? नहीं। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर, ऐसा है, ये एरिया जो है ना बहुत ही सेंसिटिव होते जा रहा है। अच्छा। अभी कुछ 4-5 दिन पहले यहीं पे मर्डर हुआ था जी। अब आज ये घटना होगी, उससे पहले आज सुना भी एक यहाँ पे एक लाश मिली है। तो ये बुराड़ी एरिया जो है हमारा, बहुत ही पहले बहुत शांत प्रिय एरिया था ये। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब से क्राउडी होने लग गया, यहाँ से बिल्डर यहाँ माफिया और माफिया। मैडम, आप जो है आप नहीं बोलना चाहेंगी? जी ठीक है। कोई एक पता चल रही है कि यहाँ पे अभी 15 दिन पहले ही गोलीबाजी हुई है, वहाँ पे किसी की महिला दो ग्रुप के बीच में बात जो बात कर रही थी मैं, पहले एक साल हो चुका है, एक महिला को और जो है गले में बांध कर उसकी भी हत्या की गई है। एक सेफ्टी का सवाल है, पर मैं यहाँ पे कहूंगा, जैसे आपने बोला कि एरिया धीरे धीरे अनसेफ होते जा रहा है, पर मेरा वापस से सवाल है कि ये कोई एकदम नॉर्मल सा मर्डर नहीं है, नॉर्मल सी घटना नहीं है। 11 के 11 लोग अगर एक ही परिवार के सिर्फ 6 घंटे के अंदर अगर टांगे पाए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें एंगल है जो शायद से पोस्टमार्टम के बाद जी साजिश, जिसको पुलिस भी अभी तक क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन आत्महत्या भी नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि अगर आत्महत्या करते
तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कैसे वो कर सकते हैं, इसमें बहुत ही बड़ी साजिश है। अरे इसमें सर ने बात की साजिश है। अब सवाल ये उठता है कि बताया जा रहा था कि वो जो एक अंकल जी हैं जो काफी इनके परिवार की दुकान चलाते थे, वो 5 साल से खामोश और शांत थे, क्या कुछ उस तरीके से एंगल हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ डिप्रेशन में अंदर है, सामने हंसी है और अंदर डिप्रेशन है। जानकारी के मुताबिक अभी इनके परिवार से मतलब एक प्रॉपर्टी थी, एक घर था जो बेचा गया था शादी से पहले। क्या बेचा गया? प्रॉपर्टी बेची गई थी, एक घर बेचा गया, तो काफी सारा कैश था घर में, शादी की तैयारियां चल रही थी। तो एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि सामान एक भी टच से मस नहीं हुआ, महिला के सारे गोल्ड इयररिंग्स सब। हां ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोला। और राहुल मैं चाहूंगा तुमने अभी अपने सोर्सेज से अंदर बात की, क्योंकि तुम शायद से इन परिवार के रिश्तेदारों से टच में भी पहले गए थे, तुम्हारे कोई परिवार के उससे रिलेटेड भी लगते हैं ये। तो मेरा सवाल राहुल तुमसे है कि ये जैसे कि तुमने देखा कि फाइनेंशियल एंगल नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड की जो इयरिंग है ये सब पाई नॉर्मल पाई गई थी, राइट? तो क्या आप देखते हो राहुल, अभी आप वापस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और आप सुबह काफी समय पहले भी यहाँ पे जैसे आपको घटना के बारे में पता चला था आप तुरंत भी आए थे कैमरे के बगैर, कैसे देखते हैं राहुल आप इसको? पहला जो एंगल पुलिस ने दिया था वो पहले सुसाइड का दिया था, जस्ट थोड़ी देर के बाद पुलिस ने कहा था कि ये मर्डर का भी एंगल हो सकता है, मर्डर के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अब जो उनके फैमिली मेंबर हैं और उनसे ही जानने को मिल पाएगा, क्योंकि जो उनके फैमिली मेंबर है राजस्थान से अभी आ रहे हैं। एक फैमिली मेंबर की मैं पूछना चाहूंगा सर, आप प्लीज आप में से कोई यहाँ पे सर आपसे बात करूंगा, घबराइए की कोई बात नहीं, आप प्रेस पे जन की बात पे लाइव है, आपकी बात है, आप सर अपनी बात किस तरीके से आगे लोगों के बीच में रखना चाहेंगे? जैसे कि उनने बताया कि वो पहले फैमिली मेंबर्स के साथ ये भी टच में थे, सुबह से भी थे, ये भी कुछ अचंभित है, उनके दूर के रिश्तेदार लगते हैं, आप किस तरीके से इसको देखेंगे? ये इस तरीके से देख सकते हैं इसको भी, जो है ना ये जो पड़ोसी हैं वो ज्यादा बेटर बता पाए, पड़ोसी ज्यादा बेटर। पड़ोसियों से हमने बात करने की कोशिश की थी, परंतु वो जो पड़ोसी थे वो खुद शौक थे, उन्होंने बोला जो दो घर बाहर रहते थे सज्जन, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से रहते थे। परंतु मेरा सवाल ये है, यहाँ पे मैं कोई चाहूंगा कोई थ्रो कर सके अंकल सर आपसे मैं बात करना चाहूंगा, माफी आप कि सर एक ये अगर सब कुछ अच्छा था तो एकदम से इतनी बड़ी घटना हो, क्या किसी ने जहर मिलाया हो सकता है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं, आप नहीं पर मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि दिल्ली में कानून व्यवस्था एकदम बंद है, दिल्ली में कानून व्यवस्था एकदम भंग है। मैं राहुल वापस से आपको बुलाना चाहूंगा। राहुल सवाल इस पे ये उठता है कि जो यहाँ पे सवाल है कि क्या जो जहर है, जहर दिया गया हो सकता है, क्योंकि अगर 11 के 11 लोग पाए गए, कोई हथियार मिला था साइट पे? हथियार तो अभी पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा कि हथियार मिला, लेकिन जिस तरीके से उनकी पट्टी लगी हुई थी और उनको सब जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जितने फैमिली मेंबर थे, सब के सब मारे जा चुके हैं, तो इससे लग रहा है कि किसी का मर्डर होने। आपको क्या लगता है कि मैं कोई हथियार नहीं मिला, कोई गोली नहीं मिली, कुछ नहीं मिला? वापस इस पॉइंट पे स्टेट करना, कोई यहाँ पे कोई बता पाए दर्शक को कि क्या ऐसा हो सकता है किसी ने खाने में जहर मिला दिया हो? सर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि साजिश है ये, साजिश है ये, साजिश है। हत्या और आत्महत्या की बात है, मैं पड़ोस वाली गली में रहता हूँ, मैं रोज सुबह शाम यहाँ से निकलता हूँ, मैं उनको नमस्ते करता था, बट बहुत ही इनोसेंट फैमिली थी, बहुत ही लोग दुकान के सामने थॉट ऑफ द डे लिखते थे डेली, बहुत ही शांति स्वभाव का, थॉट ऑफ द डे दुकान के सामने लिखते थे, मतलब बहुत ही शरीफ और शांत फैमिली थी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्हें बताया, हमेशा नमस्ते करा करती थी, ये कहा करते थे। सर मैं एक बार चाहूंगा जी डिप्रेशन का एंगल हो सकता है, एक सर अनुश्री आप अगर आप ब्रॉडकास्ट में आए आप, क्योंकि आप भी वहां पे महिलाओं से बात कर रही थी, इन्होंने जैसे बोला कि वो बहुत ही शांत परिवार था, आप कैसे देखती हैं अनुश्री, आपको जो अभी आपने बात की उससे क्या मिला है? मैंने जब बात करी तो लोगों ने मुझे बताया कि वो अपनी दुकान पर कोई कहते हैं तंबाकू बीड़ी गुटखा कुछ नहीं बेचा करते थे, साफ शुद्ध लोग थे, एक प्रॉपर उनका परिवार था, बेटी की शादी होने वाली थी और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी एक दुकान बेची थी, तो सर ऐसा तो नहीं कोई पहले कोई जैसे वो अंकल जी का, मैं वापस से अंकल जी वाले पॉइंट पे आ रहा हूं, क्योंकि 5 साल से उन्होंने बोलना कम कर दिया था, कुछ वो अंदर ही अंदर कोई डिप्रेशन में थे, कोई इस तरीके से था कि जिसको हटाना चाहे, तो एकदम से कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण, कैसे मैं वापस से सोच रहा हूँ पर अगर ससुराल वालों की तरफ से भी पैसे की कोई बात नहीं, पैसे में वो संपन्न थे, फिर क्या बात थी? नहीं ऐसे फेस को देख के उनको कोई जज नहीं कर पाता कि उनके अंदर कोई टेंशन है, अंदर कुछ है तो उनको पता होगा, लेकिन वैसे फेस को देख के ऐसा कोई, रोज दिनचर्या में रोज खांसमुख रहते थे, अपने कस्टमर को डील करते थे अच्छी तरह से। जी। आपने कहा आप यहीं आसपास कहीं रहते हैं, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपने रात में पुलिस को पेट्रोलिंग करते हुए देखा है? यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग नहीं होती सर, तो यहाँ पे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती, अगर पेट्रोलिंग होती होती तो क्या पता इस घटना का पता लग सकता। मेरा एक
मेरा एक पॉइंट ये इस घटनाओं पे मैं आकृति आप इस पाइए, पिछली सारी घटनाओं उसको मैं अलग तरीके से देखना चाहूंगा। अगर एंट्री में इसमें डिफर कर दो कि अगर पेट्रोलिंग भी हुआ करती क्योंकि घर के अंदर की घटना हुई है कोई ना कहीं, जी जी, तो ये मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई क्राई कोई गैंग आके किया है, कोई ना कोई चीज मर्डर बाहर निकल रहा हो भागते हुए और पेट्रोलिंग हो रही होती तो एक चांस। मेरा अगेन इस पे एक सवाल है, एक जी इसमें ये है कि अगर एक आदमी से दुश्मनी होती तो सब 11 को बार बार वही सवाल उठता है। और दूसरी सबसे अहम बात कि उस पे ब्लाइंड फोल्ड किया गया था, हाथ बंधे गए थे और पैर जो है वो टच हो रहे थे। अगर फांसी होती, इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, अगेन मेरा ये वापस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैडम ने बोला, बहुत दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं दो पॉइंटों पे स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ। एक तो अंकल जी की 5 साल से खामोशी और दूसरा इस तरीके से सबके आंखों के ऊपर पट्टी क्यों लगाई गई, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है सर? देखिए सर, ये तो अपना दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करेगी। सही बात आपने कही, तो मैं आवेदन जन की तरीके से क्यों देखिए, या तो कुछ दिखवाना नहीं चाह रहे होंगे वो, कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी। हाँ वो तो, या तो फिर दूसरे जो दूसरा है उसको नहीं दिखाना चाह रहे होंगे। क्या इसमें कुछ ऑनर किलिंग की तरफ से मैं अगर इसमें कोई देख सकता हूँ, देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑनर किलिंग का मतलब है कि आपकी शर्म और लज्जा घर के अंदर किसी बात से, पर ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा। कैन दैट एंगल कैन नॉट बी डिनाइड आकृति बिकॉज कम्प्लीट पड़ोसियों से बात हो रही है। ऑनर किलिंग यूजुअली लड़की का अगर अफेयर हो, इस तरीके की चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार था, बच्चे बहुत ही शरीफ थे, बच्चे बहुत ही बच्ची शरीफ थे, उनके वेशभूषा उनका जो भी बहुत ही शरीफ बच्चे थे। अच्छा, कोई यहाँ पे अंकल ने किस तरीके का, ये लोग कोई लोन में थे, डेप में थे, कोई पैसे कर... सर ये तो इंटरनली होता है, बात है। वापस से अभी तक जी, मैं चाहूंगा अगर राहुल यहाँ पे महिलाओं से बात की, राहुल अगर आप ब्रॉडकास्ट लो, प्रिंस को मैं ब्रॉडकास्ट में इंक्लूड करना चाहूंगा प्लीज यहाँ पे। प्रिंस जैसा कि एक आकृति ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया और सर ने यहाँ पे बोला कि वो थॉट ऑफ द डे सामने लगा देते, इन्होंने बोला कि पट्टी थी, आप किस तरीके से पट्टी को देखते हैं क्योंकि 302 के अंदर मर्डर अभी पुलिस ने इसको आईपीसी में किया। बिल्कुल, सबसे पहले जो महिला की हत्या हुई है वो गला घोटकर हुई है क्योंकि उसके गले पे निशान मिले हैं और पुलिस भी ये बात को कह रही है कि महिला की हत्या गला घोटकर हुई है। तो ऐसा शायद से हो सकता है कि जो महिला की हत्या हुई होगी, मान लीजिए कोई परिवार में आनाकानी हुई, मैं एक पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ, और उसमें महिला की घटना कर दी गई, एक पॉसिबिलिटी, या कोई बाहर से आके उसने महिला को मारा हो। नहीं, पर मेरा एक सवाल प्रिंस, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए 11 के 11 लोगों को एक आदमी तो मार नहीं सकता, अगर एक से ज्यादा लोग आए होंगे घर के अंदर तो किसी को दिखा जरूर होगा, अगर और पर तो कुछ ना कुछ ही अंदर ही हुआ है, मान लीजिए मैथ लेवल पे सर दिया गया। जी जी, काफी दूर से आ रहे हैं। बोलिए मैडम, हम लोग यहाँ के नहीं, हम लोग तो दूर के हैं। इस तरह से बुढ़ारी में 3 हादसे हो गए अभी नजदीक में, पहले लड़की मार गई, फिर खून खराब हुआ, गोलीबारी हुई, उसमें 4 लोग मर गए, फिर हो रहा है 18 तारीख। तो सवाल ये है कि ये बुरारी में पहली घटना नहीं है, तो क्या इतनी घटनाओं के बाद पुलिस ने यहाँ लोगों के लिए कितनी तकलीफ होती है, औरतें तो क्या पुलिस ने जब ये घटना है उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाई, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सवाल यहाँ पे ये है, पुलिस तो कितनी बढ़ा लो, पुलिस से क्या होगा, ये तो पैसा कितने लगे रहे, कोई सुना ही ना है। मैं खुद एक जनरल रिपोर्ट करने गया थाने में, उससे कहते हैं साले उसने नहीं मारा तो मैं तेरे को मार दूंगा। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे अभी पुलिस की यहाँ पे आ चुकी है, परंतु जब पुरारी में पहले हत्याएं हुई थी उसके बाद पुलिस ने क्या किया, सर ने यहाँ पे बताया कि थाने वाने में जाते थे तो वो कोई कंप्लेन नहीं लिखी जाती थी। जगह घिरता अनिल स्वामी जो कहते हैं वो गुंडा नहीं है, वो तो अच्छा आदमी है, खुद मनोज कुमार कहता है, जगवीर कहता है, रणवीर ऐसा ही किया है, तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी जो है, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, जो गुंडागर्दी है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सवाल यहाँ पे है कि ये जो पुलिस यहाँ पे आप दिखाइए अभी खड़े होने से क्या मतलब होता है, सवाल ये यहाँ पे है, अगर इधर आए कि पुलिस अभी खड़ी हुई, इधर आ जाइए आप, बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जरूर। एक सेकंड अनुश्री, वी वांट टू जूम इन सर, मैं आ रहा हूँ भगत कॉलोनी का पॉइंट लूंगा, बोलो, घबराने की कोई बात नहीं, मीडिया बोलिए। सर मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा, अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ, वहाँ पे 5 लोगों की डेथ हुई थी अभी गैंग वॉर में, उससे 6 महीने पहले यहाँ पे एक लड़की को 30 बार चाकू से मारा था। 30 बार चाकू से एक लड़की को मारा गया था यहीं पे और गैंग वॉर में, अभी कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे भी, मार दे साला कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, अभी कोई कुछ नहीं करता, पैसा उगाने लगी रही है पुलिस, तो पैसा उगाती है खुले, हम देख लो। सवाल यहाँ की पुलिस व्यवस्था के ऊपर यही है जी कि क्या यहाँ पे जब गैंग वॉर हुई जिसमें 5 लोग मरे, यहाँ पे एक लड़की को 30 बार यहाँ पे, एक सेकंड मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा मैडम, एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, आपने भगत कॉलोनी की बात की, उन्होंने बोला कि एक लड़की को 30 बार चाकू से मारा गया, क्या यहाँ पे कोई सीरियल किलर या साइको आदमी जो घूम के ऐसी हरकतें करने हो सकता है? भगत कॉलोनी में 6 आदमी की मौत हुई थी, उनके भी वजह घर के अंदर एक आदमी को मार के लटका दिया था बाथरूम में, उसके दोस्त नहीं तो कहाँ कुछ नहीं हुआ, और अभी ये ना खून खराब हुआ तो उसमें 4 आदमी मारे गए रोड पे, क्यों न्यूज में पहले नहीं आई, ये भी बात है, अभी तो सारी रोड पे सरेआम आदमी को गोलीबारी हो रही है। मैं जाऊं तो पुलिस वाला कहता है साले लठ मारूंगा, जगवीर है पूछ लो जगवीर, और एक बार के पास और बैठे
पुलिस वाले इतने शेम शेम ऑन द पुलिस यार, शेम शेम शेम। ये मैं कहना चाहूंगा, अभी ये लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे जनता ने, अनुश्री मेहता फोकस, मेरा यहाँ पे सवाल यहाँ पे है कि जनता ने अभी यहाँ पे फोकस करने की बात की और जनता ने बोला कि यहाँ पे 30 जो है 30 बार चाकू से एक महिला को मारा गया था, तब पुलिस क्या कर रही थी? पहला क्वेश्चन। यहाँ पे अंदर 11 के 11 लोग टांगे गए हैं, तब क्या एक्शन लिया जाएगा? और यहाँ पे जो गैंग वॉर में 5 लोग मरे थे, उसके बाद क्या पुलिस ने यहाँ की एक्शन लिया? सवाल हमारा यहाँ की पुलिस व्यवस्था से है कि अभी आपने बैरिकेड लगा दिया, अभी आप पोस्टमार्टम करेंगे, पर क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया? क्या यहाँ के अंदर कोई ना कोई एक अलग से साजिश या एक कोई गैंग है जो लोगों को मार रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कर दो राष्ट्रपति तक, कोई सुनाई ना, गृह मंत्री तक कर दो। मैं गृह मंत्री में जाके आयो, पुलिस वाला कहता कि तू कहीं चले जा। पुलिस की यहाँ पे अक्यूज, ये सिटीजन कह रहे हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी लग रही है। अभी आप इतना यहाँ पे भीड़ भी हटाने की कोशिश की थी पुलिस ने, आप देख सकते हैं। मोदी जी ने छूट दे रखी है, मोदी जी ने पुलिस से कह रखा है मारो खाओ जितना तुम्हें खाया जाए। मैं चाहूंगा सर, इस वक्त बहुत संवेदनशील है, इस पे पॉलिटिकल एंगल ना ले। अच्छा पॉलिटिकल मत लो, तुम जनता के आदमी भेजो किसी को भी। आज सीलिंग चल रही है। अच्छा मैं 200 रुपए दे रहा हूँ। अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सीलिंग वीलिंग वाले मुद्दे बाद में, अभी एक मैं क्राइम पे फोकस करना चाहूंगा इस वक्त। प्लीज इस वक्त क्राइम पे, जो क्राइम के रिलेटेड बोलिए। गुंडा है उसका पुलिस सहयोग करती है, ठीक है? ये पॉइंट ने बोला कि जो गुंडा है वहाँ के पुलिस सहयोग करती है। यहाँ के सिटीजन जो है, यहाँ के नागरिक पुलिस से खुश नहीं है, थाने के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री से लेके सब लोग देखते हैं, तो जन की बात के माध्यम से जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री तक जाता है और सब लोग देखे जाते हैं। मेरा सवाल सर यहाँ से है कि बुरारी की यहाँ पे पुलिस से लोग खुश नहीं है क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और 11 लोगों की यहाँ पे मर्डर हो चुका है, क्या किया जाएगा? इसके पहले 5 लोग मारे गए थे भगत कॉलोनी में, क्या हुआ? एक महिला को 6 लोग मारे गए थे, एक महिला को 30 बार चाकू से मारा गया, क्या हुआ? बारिश की बूंदें आ रही है, परंतु कोई आप आखिरी बार बोलना चाहेंगे ना, कंक्लूड करूं। कानून व्यवस्था यहाँ शहरों में सेफ्टी का इतना बड़ा माहौल बन चुका है, यहाँ पे इतने लोग मारे जाते हैं और कुछ नहीं हो रहा, क्या कानून व्यवस्था? राहुल लास्ट पॉइंट बस यही है कि 11 मौतें अभी हो चुकी है और पहले भी मौतें हुई है, तो क्या कानून व्यवस्था इतनी हो जाएगी कि जो आगे इस तरह की घटनाएं ना हो? कानून व्यवस्था चीज का तो नाम ही नहीं, कानून व्यवस्था नाम की यहाँ पे चीज बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल यहाँ की पुलिस से है कि अभी आपने बैरिकेड लगा दिए, पर पहले क्या किया? ये सवाल पूछना चाहूंगा, बारिश की बूंदों के बीच में आपने कह रहे जी मैडम क्या कहेंगे? मेरे को वहाँ पे बलात्कार हुआ है लड़की का, तो मन क्या करे, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, बलात्कार में भी कुछ नहीं किया गया है। तो सवाल मेरा ये, पुलिस इज फॉट फॉल्ट, दिस इज what I want to say and this is what we have to say at Pune. This is where we will lie down, ladies and gentlemen. This is exclusive from Burari Ground Zero. This is not one-off incident. Things like this has happened in the past, but what has the police done? That is our question. Thank you so much for joining us.